देखिए अम्बेडकर साहब या जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जिस उद्देश्य के साथ वो लड़ाई लड़े थे, हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्तमान भारत में जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए तो वो लोग इतना के लिए तो वो लोग नहीं लड़े थे, क्योंकि जितना हमारी क्षमता है हम उतना नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आप कितना किए ये कभी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। क्यों इस समाज में केवल एक ही अम्बेडकर साहब अभी तक हो, दूसरे अम्बेडकर साहब, आप हर कोई एक हर इंसान एक दूसरे से अलग है। लेकिन आज भी देखिए अब्दुल कलाम, एक अब्दुल कलाम, विवेकानंद सब, हमारे परम पूज्य अम्बेडकर साहब कि कब तक छुपेंगे हम लोग इनके पीछे, इनके आदर्शों पे चलने की जरूरत है। आप लोग आज लाख बहाने मिलेंगे आपको अपनी असफलता को छुपाने के लिए, आप कुछ भी बहाने बना सकते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपके पास हजारों बहाने मिलेंगे अपनी असफलता, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अरे एक तो बहाना खोज लीजिए अपनी सफलता को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, एक सफलता आपके पास। और आप युवा हैं, आपके पास किस चीज की कमी होनी होती है जी? तलवारों के साय पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को कोई रास्ता दिखा, अपना मंजिल आप खुद बना सकते हैं। कहा जाता है मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहां से भी गुजरूंगा अपना मंजिल बना लूंगा, अपनी रास्ता बना लूंगा। दरिया को कोई रास्ता नहीं दिखाता, वो अपनी मंजिल खुद लेके बढ़ती है। लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, गलत बात है। हम खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन सब लोग खाली हाथ जाते नहीं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए हैं? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी खाली हाथ गए हैं? वो बहुत सारे आदर्शों को दे के गए हैं, जिनको देख कर हम आगे बढ़ते हैं। और जितना संघर्ष उन लोगों ने देखा है, शायद अगर हम लोग के जीवन में आ जाए तो हम लोग अपने जीवन को वहीं छोड़ देंगे। इतना संघर्ष करके भीमराव अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई किया, सोच सकते हैं उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतता होगा जिसे पढ़ने के लिए विद्यालय से बाहर रखा जाता होगा, उसी वक्त मनोबल टूट जाता होगा। लेकिन अपने मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी अपना शक्ति, अपना एक बढ़िया योद्धा जो होता है वो अपना परिचय युद्ध के मैदान में देता है, न कि गली कूचे पे देता है। भीमराव अम्बेडकर साहब को पता था कि अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए वो पहले अपनी काबिलियत को बनाए, कभी किसी को नहीं कोसा उन लोगों ने। इसलिए आप भी कभी भी जहां भी रहिए अपने अपने विकास में ध्यान दीजिए, न कि दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाए। आप अपनी भाषा को हमेशा, एक चीज को तो हम हर विद्यार्थी को कहते हैं कि भाषा पर बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं और क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते रहते हैं। इसलिए भाषा पर हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि यही एक ऐसा जमान, एक ऐसा जगह जहां अमृत और जहर दोनों निवास करता है, एक ही जगह पर। इसलिए हमारी मर्यादा कभी भी अच्छी रहनी चाहिए कि कोई मिले तो उसको लगे कि नहीं हमने एक मर्यादित व्यक्ति से बात किया। आज का समय शिक्षा का, और हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें कभी समस्या आती थी तो हमें भीमराव अम्बेडकर साहब का एक बात हमेशा याद आता था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वह दहाड़ा है, और सुना जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको बहुत सारा समस्या आने लगे, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, जीवन में बहुत दिक्कत होने लगे, तो लोग कहते हैं कि हमें घुटन हो रही है, समस्या हो रही है। अरे घुटन समझते हैं क्या होता है? घुटन उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है पैसों के लिए खिलौनों की दुकान पर। आप ऐसे ऐसे लोगों का जीवन देखेंगे जो जिससे तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास जितना है आप उसी संग संघर्ष कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, समय मत गवाइएगा। ये विद्यार्थी जीवन बहुत तपस्या का जीवन होता है, इसमें जिसने अपना समय बर्बाद कर दिया उसको जीवन में कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। समय बहुत मूल्यवान चीज है और बहुत अहंकारी चीज भी है। समय स्पष्ट कहता है तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूंगा। समय को हमेशा सदुपयोग कीजिए। समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय देगा। निर्धारित कर दीजिए आपको क्या करना है, जो जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं जिस फील्ड में उसी फील्ड में रहिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान एक ही सेक्टर में कामयाब हो सके। आप में से बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ कंपटीशन की दुनिया के होंगे, अलग अलग सबकी अलग अलग समस्याएं होती है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे वगैरह को लेकर एग्जाम को लेकर समस्या आई थी, लगभग 3.5 लाख लड़कों का रिजल्ट रोक दिया गया था। आप लोगों को भी होगा जनवरी वगैरह में सारे टीचर A to Z टीचर, उसमें एक नाम हमारा भी था, सभी लोग का, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखिए, आप सारे विद्यार्थियों ने सारे लोगों ने साथ दिया। आज 3.5 लाख लड़कों का एक्स्ट्रा रिजल्ट आया कि नहीं आया? आज 3.5 लाख घरों का चिराग रोशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? तो आप सब लोगों को मिलजुल कर मेहनत करते रहना, और पढ़ाई से तो कभी नहीं भागना है। यही एक रास्ता है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, दुनिया में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया, हथियार पकड़ लिए जाते हैं। आज आप किसी से लड़ने जाएंगे ना, हथियार लेके तो पकड़ा जाएंगे।
लेकिन एक ऐसा हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं आता, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और पकड़ी वो नहीं करेगा। इसलिए हमेशा क्या रही है, शिक्षित बनिए। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। आप बात कैसे करते हैं, जीवन शैली कैसा, रहन सहन कैसा, किसी के मुसीबत में आप काम आते हैं कि नहीं आते हैं। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनको माँ बाप ने पटना भेज दिया था पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे गाँव में ही रह जाते हैं, उनको नसीब नहीं हो पाता यहाँ आने का। तो आप इस समय को मत गंवाइएगा, वरना आप आने वाले समय में खुद को कोसिएगा कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात का होता है, आपके पास मौका है अभी, समय ना लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। 2 मिनट नहीं लगेगा आपको समय बनाने। सबके पास जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन संघर्षों से नहीं। किसी का संघर्ष छोटा, किसी का संघर्ष बड़ा। हम लोग भी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत संघर्ष किए। सुनो, हमारा तो लिखने नहीं आता था, आज हमें 10 लाइन हिंदी, 1 लाइन हिंदी लिखते, 4-5 मात्रे गलत कर देते, बहुत सारा चीज। हमारे तो टीचर लोग कभी नहीं जांच करते थे, फेंक देते थे, हम जांचे नहीं कराते थे। तो कई सारे शिक्षक लोग थे, उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। 40 विद्यार्थियों के क्लास में हम 37वां नंबर पे आते थे। हमको बड़ा टेंशन होता था हमारा कुछ होगा कि ना होगा आगे जाके। लेकिन एक चीज हमने देखा कि जितने तेज विद्यार्थी थे सब ना, उन लोग ने जब मैट्रिक में आए, लोग इंटर मैट्रिक जब पास किए, तो सब इधर उधर लंग भाग में लग गया, सब लाल पीला हरा में, सबको तो आपको अनुभव ज्यादा चौपटिया गया सब उसमें आके। और उस समय आने के बाद हमको एक आध शिक्षक इतने बेहतरीन मिले जिनके पढ़ने के बाद हमें शिक्षा से प्रेम हो गया। तो ऐसे लगता था जैसे आपको कैसे फोन का इंतजार रहता है, हमको क्लास का इंतजार रहता है। वाह भाई क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमें लगा कि हम कमजोर थे नहीं, हमें कमजोर बनने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि हम किस लेवल का हम जान रहे हैं, उस लेवल का पढ़ाई नहीं जा रहा था। तो हमने जब पढ़े तो हमको एक जिज्ञासा ऐसी लगी कि अगर हम कभी गलती से टीचर बन गए, तब हमारा टीचर बनना उद्देश्य नहीं था। ये जिंदगी बड़ा अजीब है, आप ख्वाहिश किसी और चीज की रहेंगे, बन जाएंगे कुछ और, जिंदगी आपको कुछ और दे देगी। तो जरूरी नहीं कि आप जो चाहेंगे वही मिल जाए, अगर हर सपना पूरा हो जाए तो जिंदगी इस दुनिया और स्वर्ग में अंतर क्या रह जाए। इसलिए सपने देखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना। हमारा फौज में जाने का उद्देश्य था, NDA में जाना चाहते थे, पढ़ाई उड़ाई किए लोग गए लोग वहाँ पर। वहाँ एक मेडिकल होता है, मेडिकल बड़ा टफ होता है, जो पास उस कर जाते हैं ना, कई सारे उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। हमारा आत्मा देख रहे हैं बड़ी टेढ़ा है, जितने 1 डिग्री से ज्यादा टेढ़ा है। तो हमको लेके यहाँ पर ये ऐसा चीज में छाटा कि सही नहीं हो सकता था। तो सबके सपने टूटते हैं, हम लोग का भी सपने टूटे थे। उस समय लग रहा था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ना फौज की सेवा कुछ सपना ही नहीं देखा था हम लोगों ने। तो याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला आपको समस्याएं दे रहा है, कठिनाइयां दे रहा है, तो समझिएगा आपकी जिंदगी के जो खेल है इसके बहुत बड़े हीरो हैं। क्योंकि फिल्म में कठिन रोल बेहतरीन हीरो को ही दिए जाते हैं। तो जिसके जीवन में कठिनाई आ रहा है, आप इसको झेल ले जाइए, एक दिन सब आपके सामने, सब चीज नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाना भी चालू किया, यहाँ पर बहुत सारी संघर्ष आई थी हम लोग के समय में। तो एक चीज तो हम जरूर समझे थे कि कभी भी किसी गरीब को पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। सरकार एक बार कहे थे प्रधानमंत्री साहब लोग, अब हम राजनीतिक बात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहा गया था कि अगर सरकार 100 रुपया देती है तो पूरा पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाता है, उसका बीच में से आधा लूट लिया जाता है। हम ये कहते हैं कि हम लोग पटना से जितना शिक्षा देते हैं ना, गांव के अंतिम कोने तक को भी 100% पहुंचता है, 100%। इसके लिए हम लोग से भी जितना हो सकता है हम लोग उतना प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को भी अंतिम पीढ़ी तक को, अंतिम पंक्ति तक को भी शिक्षा दिया जाए। आप लोग के पास यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं, जैसे ये हॉस्टल हमने देखा। ऐसा नहीं है कि सारे लड़कों को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल जाएगा। आप जहाँ भी हैं, आपका एक अपना दायित्व भी बनता है लोगों को मोटिवेट कर कि देखो तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो भी तुम कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो एक चीज तो है कि तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिलेगा तुमको प्राप्त करने के लिए, अब हारने के लिए नहीं है। तो आपको आगे और लगातार संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहना, और कभी भी किसी दूसरे के ऊपर समस्याओं को थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि आप या तो समस्याओं को थोपते रहिए कि हमारे पास ये समस्या है, या तो आप मेहनत करके उसको आगे बढ़िए। सबके साथ में समस्याएं आती हैं। हमारे पास जब पटना से हम पटना रुक गए थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमारे घर लौटने के लिए हमको 60-70-80 रुपये चाहिए होते, हमारे पास मैं 40 रुपये बचे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे चालू किया यहाँ पर सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी सारा कोचिंग वगैरह चालू किया था, तो उसमें
तभी सारी संघर्ष रहता है। तो वहां से भी हम लोगों ने चालू किया। तो आप कभी भी कहीं भी रहिए, अभी आप लोग का विद्यार्थी जीवन इसमें आपका एक ही चीज साथ देगा, वो आपकी शिक्षा है। और अभी के जीवन में इंसान सबसे ज्यादा भटकता है। अगर आप खाली हाथ लौटेंगे यहाँ से, तो याद रखिएगा आपका एक बच्चे का यहाँ से खाली हाथ लौटना आपके गांव के 100 बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा। क्योंकि गरीब इंसान अपने बच्चे को पेट काट कर फिर पटना पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, उसके गुनहगार केवल और केवल आप लोग होंगे। इसलिए आप अपने लिए तो पढ़िएगा, लेकिन उन 100 बच्चों का भविष्य हाथ जोड़कर विनती करते हैं खराब होने मत दीजिएगा। क्योंकि आपका खाली हाथ देख के गरीब इंसान डर जाएगा कि उनके बच्चे ने भेजा पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप ने भेजा, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसलिए दिन रात लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटिएगा। होता है समाज में ऊंच नीच होती है, लेकिन तब तक जब तक आप संघर्ष नहीं किए, जब तक आप सफल नहीं हो, संघर्ष के समय आपका संघर्ष अकेला रहता है, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं पूरी दुनिया आपके साथ चलती है। तो इसलिए संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना है, हमेशा अपने मतलब मेहनत करते रहना है, और मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि आप ही सही हैं, मेहनत को सही दिशा में करना जरूरी है। एक बार अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएंगे तो 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, क्योंकि बचे 2 घंटों में हम आराम से उसे काट सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी समस्या आए तो पहले उसकी बेहतरीन ढंग से रणनीति रखनी चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हमेशा याद रखिए दोस्त हो पड़ोसी हो सबसे संबंध अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है आप अपने दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं। अगर आपसे किसी को तकलीफ होती है तो आप प्रेम से उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश कीजिए कि देख भाई हम भी इसी समाज के रहने वाले हैं, हम लोग के पास भी अगर शिक्षा नहीं है तो आप हम लोग भी शिक्षित होकर आगे बढ़ सकते हैं। समाज में दो ही तरह के लोग रहेंगे, अगर कोई कितना भी बढ़िया अगर शिक्षा से उसे दूर कर दीजिएगा तो बहुत सारी उसके जीवन में कठिनाई आने लगती है। और शिक्षित अगर हो जाएगा तो गरीब से गरीब भी व्यक्ति है शिक्षित हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपको 1 साल के अंदर कुछ रिजल्ट चाहिए, 1 साल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा दिखे तो आप धान की खेती कीजिए, अगले साल आपको फायदा दिखने लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 10 साल में फायदा दिखे तो आप क्या कीजिए, पेड़ लगा दीजिए, किसी शीशम का सागौन का पेड़ लगा दीजिए, 10 साल बाद आप उसे काट सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि सदियों सदियों आपकी पीढ़ियां तक सुकून से जी सके, पूरे समाज को बदल सके सदियों तक, तो आप शिक्षा दीजिए। आज जिसे शिक्षा देंगे वो आज के आज आपको उसका फल नहीं देगा, लेकिन याद रखिएगा 20 साल बाद 22 साल बाद जब वह वृक्ष निकलेगा तो उसके उसके साए के नीचे, उसके ठंडी हवाओं के नीचे पूरा समाज को एक शांति मिलती है। आप लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, आज आपको शिक्षा लेते हुए 15-20 साल हो गए, अब तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यह उम्मीद मत हारिएगा कि इससे नहीं मिलेगा। यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, यही एक रास्ता है जिसे आपको कोई छीन नहीं सकता। यही है, देखिए शिक्षा में बहुत सारे लोगों को तकलीफें भी होती है, बहुत सारे लड़के एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे लड़के ऐसे गरीब घर से आते हैं जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में ही दिक्कतें आ गई थी, तो उनसे नहीं घबराना है, मेहनत करना है। गरीब लड़कों जो गरीब लड़के हैं कई समय उन लोग की शिक्षा का लेवल थोड़ा सा नीचे रह गया था, क्योंकि पैसे नहीं थे, पढ़ाई नहीं कर पाए। तो जब वो आते हैं तो उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अपने बगल वाले से पूछ लीजिए ताकि पढ़ाई कैसे किया जा सके। आप सब लोग युवा हैं, क्योंकि आप लोग का भी आप सब हॉस्टल से ही जुड़े होंगे, पढ़ाई करते रहेंगे वहां पर, ताकि मेहनत पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहना आप लोगों को। बहुत सारे लड़कों को देखते हैं कि सुबह भोर में उठ के पढ़ता रहता, अपने जिंदगी में हम कभी भोर में उठ के नहीं पढ़े, सोच रहा एक दिन भोर में उठ के पढ़े थे, दिन भर भगवा रहते इसी ना पढ़ेंगे आदमियों से। जो समय है हमारा बॉडी जिस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग को करना चाहिए, न कि दूसरे के हिसाब से करना चाहिए। और सफलता बड़ा मुश्किल से मिलती है, कितने लोगों को लगता है कि वो एग्जाम या किसी चीज में सफल हो जाएंगे, हाथ नहीं, कितने लोगों को लगता है, डर लगता है कि ना हम होंगे कि नहीं होंगे, डर लगने वाले हाथ उठेंगे। देखो भाई ये बहुत गड़बड़ बात है, आपको डर नहीं लगता है ना तो गड़बड़ बात है, क्योंकि सफलता का रास्ता बड़ी कठिनाइयों वाला होता है। अगर आप आराम से जा रहे हैं ना उस रास्ते पे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बड़ी कठिन होता है, और वो चीज आपको तभी नहीं मिलती है जिसे आपको चाहिए, वही चीज आपको मिलेगी जो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आप कुछ भी कर देंगे तभी वो चीज मिलेगी आपको। अतः अगर सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हर हाल में हमको क्या होना है, सफल होना है। यहाँ आके माँ बाप का पैसा नहीं बर्बाद करना है, ऐसा नहीं होना है कि आप लोग माँ बाप ने जो पैसा दिया उसका दुरुपयोग करें, आके शिक्षित बनिए,
आगे आप लोग के गांव में अगर कोई व्यक्ति है पढ़ने से वंचित रह जाता है तो आप कोशिश कीजिए उसे अपनी ओर से जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प किया जाए। हम लोग से जितना बन सकता है हम लोगों ने उतना किया। 200 रुपये फीस लेके गांव तक में शिक्षा पहुंचाया। इस 200 रुपये में 18% GST और 30% इनकम टैक्स होने के बावजूद लोग हमको कहते थे पूंजी मिलता है इतना पैसा में, तो हमको कोई बात फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर हम ही सोचें तो फिर लोग क्या सोचेंगे। कोई ऐसा आप लोग आगे हमेशा निरंतर बढ़ते रहना समझ आ गया। अब चूंकि समय का अभाव है बहुत सारे लोग बोलने के लिए हैं यहाँ पर, हम आप लोग को आज अम्बेडकर साहब के जयंती पर आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जो इस आज के दिन हम अम्बेडकर साहब की जयंती को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बारी को बुलाते हैं।